हेलो गाइस, मैं श्वेतांक और आप देख रहे हैं दिल एलन टॉप। शाहरुख खान की पिक्चर जवान थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और हम दोनों लोग जो है उसके ऊपर बात करने के लिए आए हैं। तो बातचीत की शुरुआत करें सर, इसको बेसिकली रिव्यू वाले फॉर्मेट में डालना चाहते हैं तो देखते हैं कैसा वर्कआउट होता है। अभी सर बात करते हैं तो एक्चुअली जवान देख के आने के बाद सबका पहला सवाल ये है कि कैसी लगी, और मैं इसको अवॉइड कर रहा था क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि सिनेमा देखते समय अगर आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानते हो तो आपका एक्सपीरियंस ख़राब होता है। वो हमको रिव्यू में भी लोगों के फीडबैक से पता चलता है कि आपने सब कुछ बता दिया, तो बड़ा एक दुधारी तलवार। तो मैं आपसे एक ज़रूरी सवाल पूछता हूँ, कैसी लगी जवान? तो एक्चुअली जवान कैसी लगी, इसके जवाब को देने से पहले मेरा सवाल ये होता है पूछने वाले से कि आप किस पैमाने पर पूछ रहे हो, क्योंकि उसका उत्तर कई जगहों पे दिया जा सकता है। आप फिल्म को मेरे निजी आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी या मैंने जितना सिनेमा देखा उस हिसाब से मुझे कैसी लगी आप ये पूछोगे तो अलग जवाब होगा। अगर आप प्योर एंटरटेनमेंट के लेवल पे जाके पूछोगे जहाँ तमाम खामियाँ भी शामिल होती हैं और फिर भी फिल्म आपको एंटरटेन कर रही है कि नहीं कर रही है तमाम बेतुकी चीज़ों के बावजूद, उस लिहाज से अगर पूछोगे तो जवाब बिल्कुल अलग होगा। तो ऐसे कई पैमानों पर अलग अलग जवाब है। तो सबसे निचला जो तल है कि एंटरटेनमेंट के लिए जिस पर्पज के लिए सिनेमा बना था, जिस पर्पज के लिए रामलीलाएं होती थी गाँव में, प्योर एंटरटेनमेंट उसका, उससे वो कोई नॉलेज लेना चाहे ऐसी कोई बात नहीं है। प्योर एंटरटेनमेंट के लिहाज से जवान ने घोर परिश्रम किया कि लोगों को लुभाना ही है, मनोरंजन देना ही है, और उसमें वो कामयाब होते ही हैं, निश्चित रूप से होते हैं। आई हैव वन बट एट वॉट कॉस्ट। हाँ, एट वॉट कॉस्ट आप कह सकते हो, वो हमेशा होता है, हर फिल्म के साथ होता है, लेकिन आपको दोनों तरीकों से ही देखना चाहिए। जैसे एक अगर एटली जैसा डायरेक्टर कोई फिल्म बना रहा है, आप एक फिल्म के सेट पे जाइए और एक दिन आप स्पेंड करिए, अपने आसपास आप नज़र घुमा के देखिए, उसमें लाखों करोड़ों रुपए का सेट खड़ा होता है। उसमें कम से कम 200-300 लोग भागा दौड़ी कर रहे होते हैं, रात को नींद नहीं ली होती है, क्योंकि एक एक मिनट का 30 सेकंड का कोई विजुअल या फ्रेम आप बना सको। तो ऐसे लिहाज से फिर आप एट व्हाट कॉस्ट है वो बाद में आता है, पहले ये आता है कि एंटरटेन किया या नहीं किया, पहला पर्पस यही होता है। अब मान लो एटली सिर्फ एंटरटेन करना चाह रहा है, हम उसका मतलब कुछ और निकाल लें तो फिर ये हमारी तो एंटरटेनमेंट के लिहाज से फुलफिल करती है, क्योंकि फिल्म एक जैसे होता है ना, आप खाने पीने की जगह जाते हो तो थाली को लेकर वो अपने एलिमेंट बढ़ाते रहते हैं कि ये चार आइटम और जोड़ दिए साहब, इसमें देखिए आपको 45 तरीके की चीज़ें मिलेगी, इसमें है ना ये मिलेगा, या इतनी बड़ी रोटी आप ख़त्म करेंगे तो अगर आप पूरी ख़त्म कर देते हैं या 10 मिनट में तो आपको फ्री में खिलाएंगे, इस तरीके की योजना है। तो ये फिल्म वैसी ही योजना है। क्या ऐसा है जो भारतीय सिनेमा में, कमर्शियल सिनेमा में, साउथ में नहीं चला है और इस फिल्म में नहीं है? सब कुछ इसके अंदर है। क्या वो जो शाहरुख ने पहले नहीं ट्राई किया है वो इसमें डालने का प्रयास किया गया? तो उस लिहाज से फिल्म आपको एंटरटेन करती है, निश्चित रूप से करती है। मैं इवन ये भी कहूँगा कि जो पठान के अंदर जो क्वांटिटी थी एलिमेंट्स की जो आपको एंटरटेन कर सकते हैं उससे ज्यादा जवान के अंदर है। अच्छा, पठान के एलिमेंट्स फिर भी कम थे, जवान में बहुत एलिमेंट। आप बात करना स्टार्ट करो, मैं आपको कम से कम 40 चीज गिना सकता हूँ कि ये प्रूवन फॉर्मूला है एंटरटेन करने का, ये डाला हुआ है, ये प्रूवन है, ये डाला हुआ है। अब जैसे अभी रिसेंटली एक बड़ा हो गया है कि आप मल्टी स्टारर आपको होना पड़ेगा अगर आपको हिट करना है, तो पठान के अंदर सलमान थे और इसमें दीपिका है, 4-5 और एक्ट्रेसेस हैं, विजय सेतुपति है और दूसरे लोग हैं, तो फिल्म एंटरटेन करती है। तो पहला आपका सवाल का जवाब यही है कि सबसे निचले पैमाने पे एंटरटेनमेंट तमाम खामियों के साथ वो एंटरटेन करती है। अच्छा, जो लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, मान लीजिए जिन्होंने फॉलो किया है जवान को अब तक और वो अब चाहते हैं कि फिल्म देखना चाहते हैं, तो उनके लिए फिल्म में क्या है, मतलब उनको क्यों फिल्म देखनी चाहिए, क्या वजह है वो जो आप मानते हैं दोनों ही मतलब पैमानों पर? मेरा, अब मैं थोड़ा सा खोलता हूँ अपने पैमानों को, अब मैं थोड़ा सा पैमाने छोड़ के बात करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा उस फिल्म को देखने में। एक तो ये है कि जैसे हम लोगों को कहते हैं ना, एकदम आप बेसिक लेवल पे जाएंगे तो क्या होता है, जैसे आपको कैसे नायक पसंद आते हैं, तो चुनाव जो किया गया है कि एक पुलिस वाला व्यक्ति है और फिर एक उसमें स्पेशल एजेंट है, वो है स्पॉयलर्स अहेड। नहीं, स्पॉयलर्स की बात नहीं, क्योंकि वो तो ट्रेलर में सब कुछ नजर आता ही है, ट्रेलर के अंदर उसकी वर्दी नजर आती है, लुक में नजर आती है, तो वो तो एक गिवन चीज है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो नाच रहे हैं तो वो सेटअप किस माहौल का वो भी पता आपको चलता है। तो जैसे नायक चुनने की बारी आती है तो स्क्रिप्ट पे सबसे पहला जो खंबा आप गाड़ते हो
कि ये मजबूती से पकड़े रहेगा, वो क्या हो सकता है आज के भारत में। तो अगर वो आपका नायक सैनिक है, अगर आपका नायक पुलिस वाला है, एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट है, तो आपको पसंद आएगा। पठान में भी यही था। तो इतना कंसिस्टेंटली शाहरुख पहले ये रोल नहीं किया करते, शाहरुख अलग तरीके के रोल ज्यादा करते थे। मतलब इवन ये हम तो तरस गए थे देखने के लिए कि पुलिस वाले रोल उन्होंने कितने किए हैं। मैं हूं ना के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर था जिसमें आर्मी वाला रोल प्ले किया था, लेकिन ऐसा आउट एंड आउट पुलिस वाला नहीं किया था। सलमान ने बहुत कर रखे थे, है ना, गर्व किया, दबंग किया, गर्व दबंग किया है। आमिर ने एसीपी का रोल किया था, लेकिन शाहरुख ने नहीं किया था। लेकिन शाहरुख ने देखा कि भाई इसमें पसंद करते हैं, तो पहला तो उन्होंने वो चुनाव किया। तो वो फिल्म में देखने की एक है कि उसमें और क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है, नई चीज कहानी में, कहाँ कौन कहाँ गया होगा, क्या हुआ होगा, वो मजेदार चीज है। एक सॉलिड विलन लेने का प्रयास हुआ है, लेकिन हालांकि वहां पे मेरा ओपिनियन कुछ और है कि वो उतना सॉलिड नहीं साबित हुआ। विजय सेतुपति, जबकि विजय सेतुपति को क्रिटिकल अक्लेम मिलता ही मिलता है जब भी वो किसी फिल्म में काम करते हैं, लेकिन वो क्रिटिकल अक्लेम तब मिलता है जब उनके पास स्पेस हो परफॉर्म करने का। यहाँ नहीं है, एक आध सीन्स को छोड़ दो तो उनको नहीं बहुत ज्यादा मौका मिलता। हाँ, मौका नहीं मिलता। एक्चुअली क्या है, इस फिल्म की एक कमजोरी मैं ये कहूंगा कि कोई भी चीज जब कुछ होने लगती होती है तो फटाफट आगे भाग के उसको ले जाता है कि आगे चलो, फटाफट आगे चलो, बहुत कुछ दिखाना है, जल्दी करो जल्दी करो। तो ये जल्दी करो वाला हर जगह नजर आता है। अगर आप ओपनिंग शॉट ले लोगे ट्रेन वाला है सीक्वेंस, तो उसमें कुछ तर्क नहीं, कहते ना खरे नहीं होते, ये चीज ऐसी क्यों की भाई, ये अब्रप्टली ये क्यों हो गया। कई बार उसको ना पेस से जोड़ दिया जाता है कि फिल्म की रफ्तार जो है वो कहीं मतलब धीमी नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, कोई शायद वो एक एंगल इमोशनल सेटअप है तो फटाफट उसको तेजी के साथ दिखाया गया है। इसी तरीके तो विजय सेतुपति को टाइम चाहिए, अगर वो खड़ा है तो उसको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और जगह चाहिए। हाँ। आप उसको इम्प्रोवाइज करने दो। यहाँ इम्प्रोवाइज जैसे सीन सिर्फ लास्ट में आते हैं। हाँ। जहाँ जैसे क्लाइमेक्स का एक सीन है। हाँ। जब विजय सेतुपति के अपने गुरुओं को कहते हैं कि अरे मारो इनको यार, वरना अभी लोग गाना वाना गाने लगेंगे तो हम सबको सुनना पड़ेगा। तो वैसे सीन्स मतलब हाँ। ज्यादा हो सकते थे फिल्म के अंदर। इवन गाना वाला गाने लगे भी मुझे बड़ा बहुत हंसी नहीं आई। उसी के आसपास एक दो जगहों पे कुछ ऐसे मोमेंट्स आए कि ये विजय सेतुपति, ये वाला जिस वजह से ये आदमी हिट हुआ। हाँ। जिस वजह से स्क्रीन पे हमको पसंद आने लगा, तो विजय के लिए वो स्पेस इसमें नहीं रहा है। और कुछ मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली क्या होता है ना कि अब आप डैनी डेंजो को ले लो, उन्होंने जितने रोल किया, अमरीश पुरी को ले लो, उनके पास भी कम स्पेसेस रहे हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि मैं कमर्शियल फिल्म कर रहा हूँ, मेरे पास आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी वाली फिल्म मेरे सामने, इम्प्रोवाइजेशन डायरेक्ट, तो उस हिसाब से कुछ ऐसा दे के जाएगा कि दर्शक को मजा आ जाए, नया आ जाए, थोड़ी संतुष्ट। तो मैं दोष विजय पे भी डालूंगा, मैं सारा दोष इटली पे नहीं डालूंगा और फिल्म पे नहीं डालूंगा कि उन्होंने वो भी एक तरीके से जैसे मुझे नजर आता है कि वो थोड़ा सा ढीले से हो गए कि चलो ये कमर्शियल फिल्म है, इसमें तो ज्यादा क्या करना है, शाहरुख खान ही मेन है, मैं कर रहा हूं तो विग लगाए और कराए। तो कहीं पे भी कोई एक कहता है ना कि सनक वाला बिहेवियर नहीं वो लाते हैं जो उनके कैरेक्टर के लिए बहुत जरूरी है। भारत की फिल्में अपने विलेंस की वजह से अपने हीरोज को बड़ा बनाती हैं। इसमें ये विलेन इतना बड़ा नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है, इतना सनकी नहीं है कि आपका हीरो बड़ा हो। तो वहां पे वो कमी उस हीरो के डबल रोल जो सबको पता है, डबल रोल के जो और उसमें भी दोनों किरदारों के जो, जैसे शाहरुख का जो एक किरदार है उसका जो टशन है और स्टाइल है, वो मुझे लगता है उनके किरदार के जिंदगी के सारे स्टाइलिश कैरेक्टर्स में शामिल हो सकता है। हाँ, ना जो उम्र दराज वाला किरदार है, पिता वाला किरदार है, उसका स्टाइल बोलने का या जो भी है, इवन जब वो फिल्म आता है तो फिल्म में जान आती है। हाँ, और उसका मतलब लुक वाइज भी देखेंगे आप तो उसमें एक है कि मतलब आपको देख के लगता है कि अब कुछ होगा शायद। हाँ, हालांकि शाहरुख वहां जूझते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे माय नेम इज खान फिल्म के अंदर जो जिस प्रकार के किरदार को किया, तो उसमें भी वो थोड़ा जूझते मुझे नजर आते हैं। बहुत बहुत ऑर्गेनिक सा वो नहीं लगता, वैसे ही यहाँ पे है कि उम्र दराज है, उसकी कंडीशन है, कुछ चीजों को लेकर उसकी कंडीशन है, तो वहां पे वो उनको खाली मोमेंट्स में क्या करना है, वहां पे शाहरुख वो उस्ताद एक्टर ही करता है कि खाली मोमेंट में जब दूसरा कैरेक्टर कुछ कर रहा है मैं क्या कर रहा हूँ खड़ा होके। तो जो खराब एक्टर्स होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो एकदम हमारे मारवाड़ी में ठूंठ बोलते हैं, जो लकड़ी का पेड़ सूख जाता है ना, जिसके पत्ते झड़ जाते हैं, वो खड़ा है कुछ नहीं कर पाएगा। जो जॉन अब्राहम को लेके कहा जाता था कि तो काट का पुतली की एक्टिंग करता है, तो वो सिचुएशन कहीं कहीं लगती है, कहीं कहीं मेकअप भी मुझे मेरे बीच में आता है। हाँ, वो मेकअप एक पुतावा सा लगता है तो बीच में आता है मेरे, और उस किरदार को मैं एंजॉय कर सकूँ उसके बीच में आता है। पर फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा स्वैग है, स्टाइल है, कुछ एक्शन सीन्स हैं, बहुत अमेजिंग एक्शन सीन्स हैं। दो एक्शन सीन्स तो मुझे बहुत पसंद हैं। वो जब आता लगता है कि आहा अब मैं फिल्म देख रहा हूँ, अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ, जबकि शुरू के सीन्स में सब कुछ फिल्म दे रही होती है, लेकिन तब मेरे को ये फीलिंग नहीं हो रही थी कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो और इन्हीं सीन्स की वजह से मैं जवान को खारिज नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता कि इसमें मज़ा नहीं आया।
हाँ। उनका बहुत बड़ा रोल उन सीन्स का है, कुछ एक्शन सीन्स का, कुछ कॉमेडी सीन्स का, कुछ शाहरुख का जो बुजुर्ग वाला किरदार है उसका स्टाइल और स्वेगर का, ये फिल्म के कहते हैं ना ये हासिल है मेरे हिसाब से। हाँ। के लिहाज से वो भाई मैं रिव्यू लिख रहा था इसका जवान का, तो मैंने इसमें पार्ट लिखा है कि जवान का मेरे लिए हासिल ही रहेगा कि वो कैरेक्टर जो है मैं उसको ऐसा देखता हूँ कि जो गीता वाला किरदार है वो सकदे के कबीर खान टाइप का है, लेकिन थोड़ा ज्यादा मैस्कुलिन है, थोड़ा ज्यादा उसमें स्वैगर है और थोड़ा ज्यादा फुल ऑफ लाइफ है वो, है ना। तो मुझे मतलब मुझे लगा कि वो पार्ट अच्छा है। और बाकी जो चीजें हैं जैसे फिल्म में, फिल्म बहुत सारे सोशल मसलों को छूती है कि इसके अंदर मतलब तमाम मसले आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि आत्महत्याएं हो रही हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और मतलब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, गाय वाय मर रही हैं, ट्रेन हाईजैक हो रहा है, तो बहुत। और उसके अलावा क्लाइमैक्स वाले सीक्वेंस में लास्ट में जो है फिल्म एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करती है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? दो चीजें हैं खासकर सोशल मसलों, दो चीजें उनकी फिल्म की सोशल मैसेजिंग है उसको लेके मुझे ये लगा कि यार ये तो शाहरुख की ट्रिलोजी टाइप हो गई, जैसे एक स्वदेश थी, मेरा भारत, मेरे भारत के लिए मुझे ये करना चाहिए, एक वो हो गई, फिर चक दे इंडिया हो गई, मेरे भारत के, मेरे भारत को मुझे जिताना है, मेरा भारत वो देशभक्त मतलब वो कहना रिडेम्पशन भी था ना, रिडेम्पशन है। और उसमें वो एक तरीके से कहता है ना कि टोटल मैसेजिंग ओरिएंटेड मूवीज हैं वो, उसी से खड़ी हो रही है, वो फीलिंग सारी वही है, एंटरटेनमेंट बाद में आता है, मैसेज और फीलिंग वो देश के लिए भावनाएं पहले आती है। ये फिल्म क्या करती है कि बहुत कुछ डाल देती है, लेकिन ये उसी ये घनघोर कमर्शियल फिल्म है, वो थोड़ी सी साइलेंट और सॉफ्ट और ऑर्गेनिक सी फिल्में थी, ये थोड़ी घनघोर कमर्शियल, लेकिन मैं फिर भी आज़ादी लेते हुए उसको भी ट्रिलोजी में डालूंगा। हालांकि एक और फिल्म थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उस फिल्म के अंदर भी मैसेजिंग थी उनकी, एक चौथी फिल्म और थी, तो ट्रिलोजी तो खैर नहीं हो पाएगी। कब आई थी यार? मैं या फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अच्छा, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वो फिल्म थी, हाँ, जिसके अंदर उस फीलिंग के साथ फिल्म उन लोगों ने बनाई थी, शाहरुख ने और जूही चावला वगैरह ने, हाँ, मेरा देश है, बाहर के शत्रुओं से खतरा है और देश के नागरिकों को करना चाहिए, वो सारे ट्रोप से जिनपे साउथ की सारी फिल्में खड़ी होती है, इटली, विजय सेतुपति और जितने लोगों ने अपने करियर खड़े किए हैं, गरीब हैं, गरीब कुचले जा रहे हैं नायक आरा बचाने के लिए, तो एक तो इस मैसेजिंग का इस्तेमाल होना ही था निश्चित रूप से, क्योंकि भारत में जहाँ भी कोई लोग रिसेंट ईयर्स में जो सक्सेसफुल फिल्में हुई हैं, कांतारा हुई है या उसके बाद से लोग कहने लगे यार हिंदी वाले कोई फिल्म बनाते हैं क्या, फिल्म तो साउथ वाले बनाते हैं, वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उससे कनेक्ट हो करती है। अब यहीं पर मेरी दूसरी चीज़ आती है कि डायरेक्टर क्या करता है और स्क्रीन प्ले राइटर क्या करता है, उसको अच्छे से पता है कि दर्शक की नब्ज ये है, तो वो उसका दुरुपयोग करता है, हाँ, वो एक्सप्लॉइट करता है, सिनेमैटिक टूल्स की तरह यूज करता है, वो एक्सप्लॉइट करता है। आत्महत्या वाले दृश्य हैं, हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कुछ दिन पहले कि आत्महत्या वाले दृश्य हमारे भारत में और विदेशी फिल्मों के और सीरीज के अंदर में कितना फर्क है, विदेशी वाले दिखाते हैं तो वो चेतावनी लिखते हैं, सेंसिटिव रखते हैं, हाँ, कि बिल्कुल विचलित कर सकते हैं, आत्महत्या के दृश्य आ सकते हैं, आप उसे प्रभावित मत होइएगा, यहाँ पे एकदम लापरवाही से उसको जितना ज्यादा विचलित करने वाला बना सकते हैं उतना बनाया गया। आत्महत्या के अलावा भी फिल्म में कई डेथ सीन्स हैं जिनको भी उतना ही ब्रूटली पेश किया गया है, शायद उससे मेकर्स का एंगल रहा होगा कि वो उससे जो दर्शक सिनेमा देख रहे हैं कुछ फील करवा दे, लेकिन आपको उसका उल्टा फील होता है कि बहुत ब्रूटल लग रहा है। और दूसरा क्या होता है ना, दर्शक सिनेमा की भाषा नहीं जानता है, तो वो जब देखता है ना तो पूरे स्वीकार भाव से देखता है कि जो दिखा रहा हूं मैं देखूंगा और मैं आंख और दिमाग बंद रख के बस आने दो, मैं अपने अंदर ले लूंगा उस चीज को। अंदर जाने के बाद वो वायरस क्या असर करेगा आपके दिमाग में, कैसा प्रभाव पैदा करेगा आपको नहीं पता है। तो अब देख एग्जाम्पल के लिए जैसे बच्चों का जो इस्तेमाल है दो तीन जगहों पे, दो वो दुरुपयोग की श्रेणी में मैं गिनता हूँ उसको। किस लिए गिनता हूँ, क्योंकि कोरियाई सिनेमा में अगर आप देखोगे, कोरियाई सीरीज में देखोगे, तो बच्चों का बहुत दुरुपयोग करते हैं वो। बच्चों के दुरुपयोग के मामले में विश्व में सिनेमा में अगर आप देखो, कोरियाई सिनेमा सबसे नंबर वन आता है, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी बड़ी सोसाइटी, वहाँ की हाई सोसाइटी है, पैसे बहुत हैं, तो इनसिक्योरिटी पे खेला जाता है उन कंटेंट में। यहाँ के कंटेंट में कैसे खेलेंगे साहब, तो भारत के क्या मुद्दे हैं, नेता बहुत खराब है, पुलिस वाले बहुत खराब है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार है, अस्पतालों की हालत खराब है, अस्पताल में ये हो जाता है वो हो जाता है, महिलाएं जो है कारोबारी पैसा लेके भाग गया है, किसान का लोन है वो महंगा है, कारोबारी का लोन सस्ता है, जो ये 24 घंटे लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं घूमती बात नहीं है। वो बातें सब ऑब्वियस चीज है, बिल्कुल ऑब्वियस बात है, उस पर बात होनी भी चाहिए। मैटर बस ये है कि फिल्म उस पर किस तरह से बात करना चाहती है, क्या फिल्म जेन्युइनली उसके बारे में फिक्रमंद है या वो उसको सिर्फ यूज कर रही है अपनी फिल्म के लिए, तो बस नियत का मुझे, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक डेस्परेशन रहा है इटली में शाहरुख खान में, और वो डेस्परेशन आज हर जगह पे है, हर माध्यम में है, सिनेमा में, नॉन सिनेमा में भी है, इवन मीडिया के अंदर भी है। हम देखते हैं इस डेस्परेशन को कि कंटेंट को कैसे चलाना है,
व्यूज कैसे लाने हैं, दर्शक को कैसे घेरना है, 100 करोड़ से काम नहीं चलेगा, 500 करोड़ कैसे कमाने, 1,000 कैसे कमाने, 2,000 कैसे कमाने हैं, बेसिकली फोकस अच्छा सिनेमा पे नहीं, अच्छे कलेक्शन पे चला गया। इसलिए ये जो पूरा थाली के अंदर जहां 50 कटोरी की जगह 75 कटोरी रख दी गई है, उसका कारण यही है ना कि वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते असुरक्षा का, कि नहीं चली तो कि इस वजह से चलेगी, नहीं तो इस वजह से चलेगी दीपिका का गाना डाल देते। अब दीपिका का इंट्रो सीन आप ले लो, बताऊंगा नहीं मैं सीन क्या है, लेकिन आप देखो नहीं, वो ट्रेलर में है भी, कोई कनेक्शन नहीं बनता है। वो आई है, एक अखाड़े का सीन है, वो एंटर करती है, गाना स्टार्ट होता है, क्या लॉजिक है उसका, आप क्या स्थापित करना चाह रहे हो। फिर दीपिका का जेल वाला सीन है, वो भी कोई स्पॉइलर नहीं है, उस जेल के सीन में आप उसका कपड़ा देखो, वो जेल में रह रही है, उसके कपड़ों के आप सफेदी देखो, ऐसी सफेदी कोई एसी वाले बंगले में आदमी के कपड़े में सफेदी नहीं होती। अगर प्रेस किया हुआ, अगर आप वैसे देखेंगे तो फिर आप जिंदा वंदना गाना उठा लीजिए, वो गाना जो है सेलिब्रेशन सॉन्ग है, वो शूट हो रहा है जेल के अंदर एक दिन में, उस पर 4 ड्रेस चेंज है सबके, तो वैसे अगर हम उतने माइन्यूट जाएंगे तो बहुत सारी नहीं माइन्यूट जाएंगे। मैं इसमें फर्क है, दो चीजें, गाना जब आप गा रहे हो तो हमारा दिमाग इस चीज को रिसीव कर लेता है कि चलो ठीक है ये फिल्म मेरे को एंटरटेन कर रही है, चलो गाना डाल दिया, गाना जहां आ जाता है वहां लॉजिक खत्म, हम एक तरीके से मान भी लेते हैं गाना अपने आप में लॉजिक का। लेकिन जिन दृश्यों में आप इमोशनल सीन्स दिखा रहे हो, जिन सीन्स में आप हमको रुलाना चाह रहे हो, हमको आप कह रहे हो कि देखो कितना दुखी है ये पात्र, इसके साथ क्या बुरा हो गया, देखो ये कितनी बुरी जर्नी से गुजर रही है, इसकी जिंदगी कितने साल यहाँ गुजर रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं हम दिखा रहे हैं, उसके अंदर आप थोड़ा रियलिटी तो ले आओ भाई, नहीं तो फिर तो कहीं भी रियलिटी लाने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप छोड़ दो, फिर तो आप कुतर्क देखना चालू कर दो ये। और सबसे खराब बात यह है कि आज से 10 साल पहले इन चीजों पर बात खत्म हो गई थी कि रियलिज्म लेके आओ, थोड़ा सा रियलिज्म लेके आओ, लोग लेके आ भी गए, ऑन लोकेशन पे शूट करना चालू कर दिया, ऑन लोकेशन शूट आज एक रियलिटी बन गया, पहले एक रेयरिटी होता था। लेकिन अब क्या बोले, एक्सेप्ट जितना हो सकता कर रहे हैं, पर फिर भी एक बता रहे हैं कि जो बनाने वाले उनको थोड़ा पता चलना चाहिए कि यहाँ आपने बहुत लिबर्टी ली है, आपने ढिलाई बरती वहाँ पे, कह रहे यार क्या हो गया दीपिका को नया कपड़ा दे दो, सलवटों वाला देना क्या जरूरी है, ये बस इतना सा फर्क है, ऐसी बात नहीं उनके पास था नहीं, वो ढीले हुए कि दर्शक ले लेगा यार, तुम समझते हो भारत तक का दर्शक है वो इतना नोटिस नहीं करता है, तो आप उसको फिर ऐसे ही चलाए रखो, आप आज से 20 साल बाद भी वो करते रहना, तो पॉइंट आउट करना बहुत आवश्यक है इस बीच में कि हाँ जब सब लोग कहेंगे कि मजा आ गया तो पॉइंट आउट करना जरूरी है कि ये सिनेमा के हिसाब से इन चीज़ों से आप दुरुपयोग करो और यहाँ आप ढीले चल रहे हो बहुत। जैसे अगर आप देखोगे तो आप शाहरुख का जो सीनियर कैरेक्टर होता है उसके आप फिल्म के थ्रू आउट द फिल्म मेकअप देखो और क्लाइमैक्स में उसका मेकअप देखो, क्लाइमैक्स में उसका मेकअप बिल्कुल अलग होता है, हड़बड़ी में लगाया हुआ मेकअप लग रहा है कि चलो बाद में कोई कहते ना कि अलग कॉस्मेटिक कर लेंगे, हाँ बाद नहीं वो कर लेंगे और बाद में कि कौन ध्यान देता है भाई। फिर आप समझो ना कि हम सब जगह कंटेंट देख रहे हैं, हम खाली भारत का थोड़ी देख रहे हैं, तो ये मतलब जो दुरुपयोग वाली बात थी तो वही एलिमेंट है जो दुरुपयोग की श्रेणी में मैं मानता हूँ। इसी वजह से थोड़ा मन खिन्न भी होता है कि यार अब मतलब आप एक्सप्लोइट कर रहे हो मुझे ना, आप मुझे कहानी दिखाओ ना, आप मुझे नई चीज़ दिखा दो कुछ। साउथ की 500 फिल्मों में मैं देख चुका हूँ कि किसान ये कर रहा है वो कर रहा है, और एक सीन है जिसमें आपने देखा होगा कि किसान का वस्त्र है वो खींच लिया जाता है ना, अब वो मैं कहूँगा बेशर्मी की इंतहा है डायरेक्टर की तरफ से कि वो कह रहा है कि नहीं मैं थोड़ा तुमको और आप और वहां तुमको जाने को रेडी हो, मैं तुमको और खींचूंगा अभी, मैं तुमको और ज्यादा मैं अंदर लेके आऊंगा इस सीन के, मैं तुमको और घुटनों पर लेके आऊंगा मैं इमोशनली। जबकि एक 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 ऐसी फिल्म आई थी रिसेंटली दलित मुद्दे पे बनी फिल्म थी, उसके अंदर सिमिलर सीन होता है, लेकिन आप उसको देखते हो आप ये नहीं, पेरारिया थवर करके उसका नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ शायद वही फिल्म थी, तो उस फिल्म के अंदर एक नायक होता है उसके पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके अंदर सिमिलर होता है, लेकिन उसमें आपको ये नहीं लगता इसने दुरुपयोग, क्योंकि वो थ्रू आउट द विषय ही वही चल रहा है, वो बता ये रहा है कि इन लोगों के साथ ये हो रहा है, समाज में कुछ लोगों के साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है। दूसरा, उस सीन को थोड़ा लंबा खींचा जाता है, बताया जाता फिर क्या हुआ, वहां तो बस इस्तेमाल है, करे बस देखो या अब कितना गंदा आदमी पुलिस वाला, देखो ये लोन वाला इसकी शव पे भी लोन की बात कर रहा है, तो ये जो चीज है ये दर्शकों को थोड़ा समझना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए कि एक फिल्म मेकर आपको एक्सप्लॉइट कब कर रहा है, एंटरटेन कब कर रहा है, ये बहुत बड़ा फर्क होता है, नहीं तो फिर क्या है कि आप जब तक अवेयर नहीं होगे तो वो देता रहेगा जो आप आप करते हो। और जो एक्टर्स का जो काम है, जो 5-6 महिलाएं हैं जैसे लहर खान, सान्या मल्होत्रा, प्रियमणि वगैरह हैं, और उसके अलावा संजीता भट्टाचार्य, गिरिजा ओक, इन लोगों का जो मतलब इन लोगों का तो मुझे कुछ समझ नहीं है कि फिल्म में इनको मतलब क्या उतना खास रोल था, ये फिल्म के एक सबप्लॉट्स को तैयार करती है, ठीक है उनके लिए वो मसाला देती है, लेकिन जैसे आप प्रियमणि को देखें या आप सान्या को देखें तो जो भी सिनेमा आजकल कर रही है लोग अपनी भाषा की, उसमें ये लोग फीमेल लीड्स करते हैं, है ना, ये अपने फिल्म के हीरो होते हैं,
और यहाँ इन्हें एक फुल लेंथ डायलॉग तक नहीं मिला है बोलने के लिए, जब वो रियलिटी जब प्रेजेंट टाइम चल रहा है तब, फ्लैशबैक का नहीं है। तो मतलब इसमें और इस फिल्म को ऐसे करके प्रमोट किया जा रहा था कि ये फीमेल सेंट्रिक फिल्म है ना, कि फाइव गर्ल्स, शाहरुख ने खुद ही बताया कि एटली ने उनको आइडिया सुनाया कि सर यू एंड फाइव गर्ल्स एंड आई सेड यस। तो अब उसका मुझे कुछ समझ नहीं कि मतलब क्या है वो, तो उसको कैसे देखा जाना चाहिए। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसमें क्या है कि मुझे ऐसा लगा जैसे जो लड़कियों वाला पूरा सेटअप था शुरू के सीन्स में वो मनी हाइस्ट से उठाया गया कहीं, कि क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, सब लोग देखते हैं चल क्या रहा आजकल, तो अरे मनी हाइस्ट जैसी चीजें आजकल खूब चल रही है, लूट लूट डकैती ये, उन्होंने कहा कि कुछ इसके इर्द गिर्द रखते हैं। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब फिल्म लिखी जाती है तो ये इसी तरीके से मैन्युफैक्चर करके स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, ये कोई ऑर्गेनिक अपने आप में कोई आपने बीज डाला और पेड़ खड़ा हो गया ऐसा कभी नहीं होता है, बिल्कुल सोच समझ के लिखा जाता है। और एक एक चीज का मेरे को इस, अगर ये 10 रुपए मैं लगा रहा हूँ तो मेरे 15 होंगे कि नहीं होंगे, और इस सीन को पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी वो भी नोट किया था, तो फिर ऑर्गेनिक तरीके से फिर उसका डेवलप होना वहीं रुक जाता है। तो ये इस तरीके के, ठीक है मैं इसको बुरा नहीं कर, पर आप एक इसको एनालाइज करना, आपको पकड़ना आना चाहिए, पब्लिक को सीखना पड़ेगा ना, मतलब हम लोग पब्लिक को सीखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बोला वो बिल्कुल सही बात है कि लड़कियों के किरदारों को स्थापित नहीं किया उन्होंने, और उनकी बैक स्टोरी जहां जहां आती है जिसमें वो रो भी रही हैं, दुखी दुखी पृष्ठभूमि है, बहुत जल्दी जल्दी में कर दिया गया फटाफट, उसके बाद तुम्हारा कोई यूज नहीं भाई, अब तुम साइड में हो जाओ, अब अपना हीरो आएगा। ये ऐसी फिल्मों की विडंबना एक्चुअली है, होती है, क्योंकि आप फिर नयनतारा का किरदार सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस उसको मिला है, नयनतारा के किरदार के साथ मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। नयनतारा का किरदार का आप देखो एंट्री सीन होता है, ये भी कोई स्पॉइलर नहीं है, एंट्री सीन होता है, वो एक कोई ऑपरेशन सा हो रहा है वहां पर उसको बुलाया जाता है। नयनतारा जिस सिचुएशन में आई है उस सिचुएशन में एक जने की मौत हो चुकी है, एक ट्रेन है उसके अंदर एक जना मर चुका है, गंभीर सिचुएशन है। आप उस सीन के बाद नोटिस करिएगा नयनतारा स्माइल कर रही है, नयनतारा खड़ी है उनका एंट्री, और वो एकदम स्टाइलिश क्लोज पहन के आई है जैसे कि मतलब किसी मॉडलिंग वाले सेशन में जाना है, जल्दबाजी नहीं है, वो आराम से स्लो मो शॉट लगा हुआ है। आप रवीना टंडन ने भी एक सीरीज की थी रिसेंटली जिसमें उन्होंने अरण्यक जिसमें पुलिस वाले का रोल किया, आप देखो उनका क्या कह रही है, आप वैसा कर देते तो वहां पे क्या कर चाहते हो कि उस नयनतारा के किरदार को मैं एक दर्शक कंज्यूम करूं सेंशुअली, या स्टाइल उसकी स्टाइल को कंज्यूम करूं, उसकी ब्यूटी को कंज्यूम करूं, वहां पे उसका दायित्व सुंदर देखना नहीं है, वहां उसका दायित्व है कि वो जिस रोल में आई है उस रोल में वो क्या कर रही है। यहाँ पे फिल्म मेकर की बदमाशी है, क्योंकि आप फिर वहां उसका इस्तेमाल एक हीरोइन के तौर पर कर रहे हो, किरदार वहीं खत्म हो जाता है। तो नयनतारा का किरदार है उसकी जो सत्यनिष्ठा है किरदार के प्रति, उससे मुझे बड़ी आपत्ति है कि वो कहीं इमोशनल सीन्स में जरूर वो ऐसा करती हैं, वो जो करती आई हैं, बाकी अगर आप देखोगे तो जहां जहां बहुत गंभीर होना है या समझना है या ओपनिंग सीन्स जहां ज्यादा उनको मेहनत करनी थी वहां वो एब्सेंट माइंडेड सी या रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे भी कर लेंगे तो चल जाएगा। अब ये डायरेक्टर का किया है या उनका क्या मुझे नहीं पता, पर मैं उनसे थोड़ा सा निराश रहा। बाकी सानिया जहाँ आती हैं तो जेन्युइन फेस लगता है, अब वो किस कारण से लगता है, अभी उनके कम काम आया और रिसेंटली उनकी फिल्म आई थी बहुत बढ़िया थी कटहल की वजह से हमारे दिमाग में वो रेफरेंस रह गया या पता नहीं क्या कारण है। प्रियमणि है, प्रियमणि का किरदार भी ऐसा है कि उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है प्रियमणि के किरदार के साथ भी कुछ होता, पर जैसे मैंने बोला कि जो शुरू में बोला कि इस फिल्म की विडंबना क्या है कि आप थाली में 50 कटोरी की जगह 75 कटोरी डाल रहे हो, तो फिर एडिटिंग भी खराब लगेगी, डायरेक्शन भी खराब लगेगा, कोई भी एक चीज फुलफिल होकर आगे नहीं बढ़ेगी, हर चीज रश में भागेगी आगे की तरफ। और जबकि इस फिल्म की लंबाई 2 घंटे 43 मिनट है, मतलब इतना काटने का इतना फास्ट पेस करना पड़ा उनको। तो आपका ओवरऑल वर्डिक्ट क्या है, मतलब आप दर्शकों को सजेस्ट करना चाहेंगे? तो मैं ये कहूंगा, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कैसी भी फिल्म हो, मैं कहता हूँ श्वेतांग कहीं खराब है आप फिर भी जाके देखो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बेसिक एंटरटेनमेंट के लेवल पे फिल्म अच्छी है, आपको एंटरटेन करेगी, और इसमें बेसिक एंटरटेनमेंट के पैमानों से ऊपर आके खोल भी दो पैमानों को तो कुछ एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं, कुछ शाहरुख का स्टाइलाइज्ड जो एक अवतार है, जो जिस सेंस ऑफ ह्यूमर है या जो और तौर तरीके हैं बहुत अच्छे हैं। शुरू का जो सीन आता है नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर की तरफ वाला सीन है, वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, हालांकि वो थोड़ा जिससे फिल्म खुलती है वो थोड़ा सा ऐसा नकली सा भी है, आप कहोगे रियलिस्टिक नहीं है, पर रियलिस्टिक की बात नहीं है, आप फैंटेसी में रख के देख लो, मजा आता है तो बढ़िया है, उसको बाद में लाकर सर्कल पूरा भी करते हैं। हाँ, बाकी फिल्म के अंदर जो ये मुद्दे हैं वो मुद्दे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड लगते हैं, मेरा खोखले लगते हैं बिल्कुल, हाँ उससे कनेक्टेड नहीं है। आप उसको ऐसा जैसे अगर विजय की फिल्म देख लो तो विजय की फिल्मों के इन्हीं डायरेक्टरों की बनाई फिल्मों में स्टाइल भी होगा, हाँ
तो स्टाइल भी होगा, सब होगा, लेकिन वो गुथावा होगा। जैसे विजय के चेहरे पे आप इमोशन जो देखोगे, इमोशन उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे कि कोई गरीब आदमी के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो जैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसे मर्ज लगेंगे, यहाँ सब सेपरेट लग रहे हैं। अच्छा ये इधर आ गया, ये आ गया, ये आ गया, क्योंकि उन लोगों की फिल्म में केवल लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक करते हैं, कोई एक इशू लिया और उसके ऊपर बात की। जब आप पांच अलग अलग इशूज पे एक ही फिल्म में बात करोगे तो आप किसी पे बात नहीं कर पाओगे। तो जवान का बेसिकली वही होता है जहां जब सोशल इशूज की बात आती है। तो ओवरऑल ठीक है, मेरे को लगता है फिल्म आपको जाके देखनी चाहिए, पर उससे ऊपर उसकी विवेचना भी की जानी चाहिए, उसके लिए भी स्पेस होना चाहिए, जहां फिल्म के बारे में बहुत आप कमियां बता सकते हो या कमियां भी नहीं है। तो फिल्म ओवरऑल आपको कैसे लगी, आप उसको अलग तरीके से रीड कर सकते हो, वो रीडिंग बाकी है। ये सिर्फ एक बेसिक लेवल की, सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर सिनेमा को नहीं देखो, देखना है ठीक है, वो फर्स्ट लेवल हो गया। लेकिन अगर आप थोड़ा और एंजॉय करना चाहते हैं या समझ के एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा आपको खुद ही उसके लिए पोस्ट रीडिंग जरूरी है। हाँ। या सिनेमा को आप कैसे देखते हैं, उसमें भी क्या है कि अगर आप बहुत सारी फिल्मों के बारे में पढ़ेंगे या उनके आने उनके रिव्यूज पढ़ेंगे, तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा जिससे आप बहुत सारी चीजें जान पाएंगे उस फिल्म के बारे में। तो जब आप अगली फिल्म देखने जाएंगे तो आपको ये पिछली बातें ध्यान रहेंगी। तो उस तरह से मैं जवान को आप देख सकते हैं। यही है, शाहरुख खान है, एक के पैसे में दो शाहरुख खान मिल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए, बेटर फिल्म। बट ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकते। तो ये है हमारा रिव्यू, आप देख रहे थे लल्लन टॉप, मैं हूं श्वेतांकर गजेंद्र, थैंक यू।